दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ एक बार फिर से बगावत खुलकर सामने आ गई है। इस बीच कैप्टन के खिलाफ 30 विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है, जिनमें से कई कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, कैप्टन अमरिंदर को सीएम पद से हटाने की भी मांग की जा रही है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा ने कहा है कि सीएम साहब कांग्रेस को बांटना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि सीएम को बदलना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस नहीं बचेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने जा रहे हैं, आज ही दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। बता दें कि तृप्त बाजवा के आवास पर ही असंतुष्ट विधायकों की ये बैठक हुई थी। इस बैठक में वो तमाम विधायक थे जो पिछली बार नवजोत सिंह सिद्धू के साथ थे और कैप्टन के खिलाफ नजर आए थे। तृप्त बाजवा के अलावा इस बैठक में मंत्री रविंदर रंधावा और चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद थे और इन्होंने भी कैप्टन पर सवाल उठाए हैं। इन लोगों ने कहा है कि कैप्टन की लीडरशिप पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। बता दें कि मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि बहुत चुनावी वादे अभी तक अधूरे हैं, शराब, रेप और केबल माफिया अभी भी मौजूद है। हम इन मसलों पर मुलाकात के लिए पार्टी हाईकमान से मीटिंग का वक्त मांग रहे हैं। आपको बता दें कि आज ही कैप्टन के खिलाफ कांग्रेस का घड़ा सोनिया गांधी को मिलने दिल्ली जाएगा। कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा, सुखबिंदर सरकारिया, तृप्त राजेंद्र बाजवा, चरणजीत चन्नी और महासचिव प्रकट सिंह दिल्ली जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि खबर है कि 5 से 7 मंत्री आज इस्तीफा भी दे सकते हैं। जानकारी के मुताबिक तृप्त राजेंद्र बाजवा के घर 3 मंत्री और 20 कांग्रेस विधायकों की ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली। इस बैठक में चर्चा हुई कि कांग्रेस सरकार का प्रदेश में प्रदर्शन अच्छा नहीं है, पार्टी पहले जहां खड़ी थी आज भी वहीं खड़ी है, हम चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी है। इसके साथ ही बैठक में कहा गया कि कांग्रेस आलाकमान की ओर से जो 18 सूत्री कार्यक्रम रखे गए थे, उनमें से सिर्फ छोटे मोटे काम ही हुए हैं, बड़े स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है, इसलिए 5 सदस्यीय टीम बनी है। इनमें से 4 कैबिनेट मंत्री हैं और 1 महासचिव प्रगट सिंह है और ये लोग सोनिया गांधी से मुलाकात कर उन्हें हालात की जानकारी देंगे। दोस्तों आज की इस बैठक के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। गेंद एक बार फिर से कांग्रेस आलाकमान के पाले में आ गई है। क्या चुनाव से पहले कांग्रेस आलाकमान कैप्टन को कुछ वक्त देगा या फिर कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनाकर उन कामों को करना चाहेगा जिसके दम पर 2022 के चुनावों में जनता के बीच जाया जा सके। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के जानकार इस बगावत को नवजोत सिंह सिद्धू से अलग हटकर देख रहे हैं। जानकारों की माने तो सिद्धू के अलावा कैप्टन की कैबिनेट में ही एक ऐसा धड़ा है जो उनके खिलाफ है। ये धड़ा पहले भी कैप्टन का विरोध कर चुका है। दोस्तों इस मामले पर आपकी क्या राय है, ये बात हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।